ए ठहरो, इस कलश को बेकअप करके इस तरह संभाल के कहां ले जा रही हो? आज एकादशी है, देवी माँ को प्रसाद चढ़ाने माड़ ले जा रही हूँ इसमें। क्यों, एकादशी के दिन में ही मैया माड़ पीती हैं? बाकी के दिनों में वो माड़ नहीं पीते हैं या हजम नहीं होता है? एक पत्थर को बिंदी लगाकर, फूल लगाकर, कपड़े पहनाकर मैया कहती हो, क्या ये पागलपन नहीं है? ये सब तो फिर भी ठीक है, मगर रोज तीन वक्त खाना भी खिलाती हो, ये बताओ तुम्हारी माता को चाइनीज खाना पसंद है या कॉन्टिनेंटल? तो एक काम कर, इसे ले जाकर कचरे में फेंक दे, फिर फ्राइड राइस या नूडल्स जैसे चाइनीज आइटम बनाकर माता को खिला, मजे लेकर खाएगी वो। ये पाप है जीजी। इस तरह क्या घूर रही है? कर भी तुझे दया नहीं आई, तेरी मोतियों को लेने का मन नहीं है, तेरा गुस्सा अब भी थमा नहीं। हे जगदम्बे माता, तुझे जाने का मन नहीं है तो मेरे बदन में आके रह ले, उनके बदन की सारी मोतियां मुझे दे दे, मेरे बदन में वास कर, तुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है। रामलाल, क्या है मेम साहब, आपने बुलाया? मैं बाहर जा रही हूँ, ब्रदर आए तो बोल देना। मेम साहब, राजेश्वरी मेम साहब को माता आई है, आप उन्हें अकेले छोड़कर जा रही हैं? उसे अकेली न छोड़कर उसके साथ मिलकर ग्रुप डांस करने को कह रहा है। ए, ये छुआछूत की बीमारी है, कहीं फैल गई तो मुझसे उसको मिली, उसके पास से फिर से मुझे लगी तो मुझसे नहीं होगा। मैं किसी होटल में रह लूंगी, हफ्ते भर बाद ही लौटूंगी, कह देना। माँ ये लो माँ, वैष्णो माता का तीर्थ जल देख लिया माँ, तुम्हें अकेले छोड़कर सभी लोग बाहर चले गए, उस पर तरस खा रही थी ना तुम, देख लिया उसका नतीजा? कोई बात नहीं बेटी, डसना बिच्छू का काम है, उसे सहना मेरा काम है। फिक्र मत करो माँ, मन में माता के नाम का बोझ ढोती हो, तन में माता को ही ढोती हो। बोझ उतारने के लिए चामुंडी आएगी, इन मोतियों को ले जाने के लिए माँ शेरावाली आएगी, माता।